कटक में सुबह लोकमान्य एक्सप्रेस का पटरी पर हादसा, 8 डिब्बे हुए बेपटरी। घने कोहरे में खड़ी मालगाड़ी में ट्रेन ने मारी टक्कर, बेपटरी होने से करीब 40 से ज्यादा लोग घायल, ट्रैफिक पर भी असर। हिजबुल आतंकी नावेद से पूछताछ में खुलासा, लंबे वक्त से संपर्क में था डीएसपी देवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। देवेंद्र सिंह मामले में एनआईए के डीजी ने गृह सचिव से की मुलाकात, आईजी स्तर के अधिकारी जाएंगे कश्मीर। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के विरोध के दौरान हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, तिरंगा फहराने की कोशिश। करीब 30 दिनों से शाहीन बाग में सड़क को जाम कर महिलाएं कर रही हैं विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी का 48 घंटे का अलर्ट, सभी आर्मी और आईटीबीपी कैंपों को बर्फीले तूफान के लिए जारी की गई एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में टैक्स फ्री हुई अजय देवगन की फिल्म तानाजी, महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री करने की अटकलें।